क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूँ और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से। तो फ्रेंड्स यहाँ बना लेते सिंपल दाल चावल, और फिर उसके बाद हो रही है शाम की पूजा। यहाँ पे देखिए रेक्स कितने अच्छे से पूजा में बैठता है हमेशा, और ये भी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं मन लगा के। और ये दिन शुरुआत हुई थी हमारी, और बस सिंपल दाल चावल बनाए थे, आज करने थी शॉपिंग। ज्यादा अटेंटिव लग रहे हैं आप, सारे प्रेजर बहुत अच्छे होंगे। त्योहारों की जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रैक्स कैसे अच्छे से एंजॉय पूजा करता है, और ये भी। तो ये देखिए ऐसे पूजा किसके यहाँ होती है, मुझे बताना, मुझे एकदम एंजॉय में। देखो ये पूजा हो रही है, हैं? जय माता दी बोलिए जी बोलिए, जय माता दी बोलिए जी। माता के भक्तों के लिए। हाँ तो वेरी गुड। ये बस आपके बाद आशीर्वाद देने के बाद ये पूरे घर में घुमा के हम लोग मंदिर में रख देते हैं, और उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, त्योहार आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ कृष्णा नगर। और चलिए भी देखते हैं वहाँ पे कितना सुंदर सुंदर सामान आया हुआ है। अब मुझे एक्चुअली लहंगा और साड़ी दो चीज की तैयारी करनी थी, तो वही मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं कृष्णा नगर। तो फ्रेंड्स जैसे कि जोर शोर से तैयारियाँ हो चुकी है ना सारे फेस्टिवल्स की, आपने भी अपनी तैयारियाँ कर ली होंगी, और मैं भी अब शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया वीलॉग आने वाले हैं त्यौहार पे, तो जल्दी मिलेंगे नए नए वीलॉग्स में। आर्यन जो वो घर पे ही था, और मेरे को ये छोड़ने गए थे क्योंकि इनको बैंक का काम था, तो बीच में इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं इनसे बोल रही थी कैमरे में थोड़ा बात करो, वी आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये बोल रहे थे मेरे बाल थोड़ा सही नहीं है, इसलिए अभी मुझे कैमरे में कैप्चर मत करना। तो ये इन्जॉयमेंट थोड़ा चल रहा था, फिर इसके बाद इन्होंने मुझे थोड़ा रोक दिया था गाड़ी के अंदर मैं, और फिर ये बैंक अपना काम करने गए थे, और मुझे मेरी फ्रेंड को हम लोग को ड्रॉप कर दिया था इन्होंने कृष्णा नगर। तो वहीं की शॉपिंग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें कभी कभी लगती है ना, बाकी चीज़ें तो हर दिन की है। यहाँ आ चुकी है मेरी फ्रेंड, और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तीज त्यौहार आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके शॉपिंग कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ अपने लिए और बेटे के लिए आई हूँ, फिर दोबारा एक चक्कर और लगेगा मेरा यहाँ, क्योंकि कृष्ण नगर में शॉपिंग सच में बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पे आपको हर क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। दिवाली के लिए भी वहाँ बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ है, तो आप जाइएगा ज़रूर एक बार, मेरे कहने पर एक बार जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ आई हुई हैं, और क्लोथ यहाँ फेड आउट्स वगैरह है, तो आप अच्छे से अच्छे अच्छे ड्रेसेस वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे ये आंटी जो दिवाली के जो बंधन बार होते हैं ना, जो हम गेट पे लगाते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर थे, मैं से देखने आई थी यहाँ पे ना, तो और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, मतलब 150 के 200 के 2 ऐसे थे, और आप कम करवाएंगे तो वो कम भी करवाएंगी, बहुत सुंदर थे। तो आप एक बार विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल कृष्ण नगर स्टार्टिंग मार्केट होती है ना, वहाँ पर ये आंटी रहते हैं, और बहुत ही अच्छा था जो कि मुझे लगा उनका दिवाली का सारा सामान। तो त्यौहार आ चुके हैं और सब कुछ सज चुका है, तो बस धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करूंगी सारे व्लॉग्स, और अभी आप इंजॉय कीजिए ये मेरी शॉपिंग। बस यहाँ से थक के थोड़ी देर हम लोग को भूख लगी थी, तो हम लोग वहीं कृष्ण नगर में ये एक छोटे रेस्टोरेंट में जाके बस डोसा और कोल्ड ड्रिंक, दैट्स इट, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही हल्की एक, है ना, तो वही हम इंजॉय कर रहे हैं। अब घर जाके फ्रेंड के यहीं पे
मेरे पास पूरा दिन था सैटरडे का, क्योंकि उसके आर्यन के पापा और वो लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे और मैं शॉपिंग। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने डेकोरेशन का सामान बनाया बैठ के, दिवाली की प्रिपरेशन है तो ये बहुत चूड़ियों से बना हुआ, प्लेन चूड़ियों से बस। दादा बोले ही ना, पट पट कर ये मैं ड्रेसेस जो लाई थी वो चेक कर रही थी वन बाय वन, और बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके। आपके साथ शेयर करूँगी जो जो मैं लाई हूँ। और फिर मैं रात को 6 बजे से 6:30 बजे निकल चुकी थी। अब घर आके क्या हुआ है, सबसे पहले चाय, और मैं जो मार्केट से सामान लाई थी ना, जो हम बचपन में खाते थे ना छोटी छोटी कचरियाँ, तो वो हस्बैंड बोले कि पहले सबसे पहले मुझे चाय पिलाओ, बहुत मन कर रहा है। फिर चाय के साथ मैंने ये कचरियाँ बनाई, और ये था पूरा वीलॉग। और नेक्स्ट वीलॉग में आपका शॉपिंग शेयर करूंगी। ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां करें, शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाह